told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना ऑफ एंड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आई हूं एम्ब्रेंस गार्डन कैंप पुणे में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां पर अभी फ्लावर शो चल रहा है जो 25 जनवरी से 29 जनवरी तक है, और यहां पर साल भर में इतने कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के डेज भी सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि पिछले मंथ में रोज़ जो एग्जीबिशन था जिसमें वैरायटीज़ थी बहुत सारी रोजेस की। ऐसे यहाँ पर आप जो प्लांट्स है वो भी खरीद सकते हो। यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी है, और यहाँ पर बड़ा सा फाउंटेन है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ग्रीनरी के साथ साथ आप अपने साथ पूरी फैमिली के साथ आके यहाँ पर ज़रूर विजिट कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर फूड कॉर्नर भी है, जहाँ पर आप स्नैक वो सब कुछ यहाँ पर खा सकते हैं। ओवरऑल ये जो है ना एक मिनी पिकनिक स्पॉट है पुणे के अंदर का, जो आपको बाहर कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग ऊटी जाते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं बड़े बड़े, ये उससे ही बेहतरीन खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन चल रहा है, और आपको ऊटी में जाने का ही फील हो जाएगा, इतना बढ़िया है। तो चले मैं अभी आपको इस जो पूरे एग्जीबिशन का और इस जो बॉटनिकल गार्डन का पूरा टूर दे देती हूँ, जिससे आपको यहाँ पर आने में यहाँ पर क्या क्या है उसका थोड़ा सा ब्रीफ हो जाएगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज, एम्ब्रेंस गार्डन जो है वो कैंप एरिया में है, और यहाँ के जो पार्किंग के चार्जेस है वो 50 रुपीज़ है, और बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर जो टिकट काउंटर है 50 रुपीज़ यहाँ के पर पर्सन चार्जेस है, 10 साल के आगे के बच्चों के लिए है। और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, 3 लाख तक के प्लांट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, कलरफुल फ्लावर्स। और जो ग्रीनरी जो यहाँ पर सेटअप किया गया है वो सच में बहुत ही खूबसूरत है और देखने जैसा है। अगर आप पुणे में रह रहे होगे या पुणे से बाहर भी होगे तो स्पेशली इस जगह को देखने के लिए आ सकते हो। इतनी वर्थ जगह है ये घूमने के लिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत फ्लावर की अरेंजमेंट मैंने अब तक कभी भी नहीं देखी थी। बहुत ही अट्रैक्टिव ऐसे जो फोटो बूथ या फिर यहाँ पर जो क्लिक करने पिक्चर्स क्लिक करने के लिए जो जगह बनाई गई है, ये सच में बहुत ही अच्छा है। फाउंटेन्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, और फ्लावर्स का इन लोगों ने जो सेटअप बनाया हुआ है वो इतना खूबसूरत है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी यहाँ पर बहुत ही एंजॉय करते हैं। और क्या आपको पता है कि एम्ब्रेंस गार्डन जो है वो 167 ईयर्स पुराना है। 150 से ज़्यादा यहाँ पर जो है प्लांट्स के जो वैरायटीज़ है, यहाँ पर 100+ इवेंट्स हो चुके हैं। हर बार यहाँ पर जो फ्लावर शो होता रहता है, अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें आपको यहाँ के जो प्लांट्स के फ्लावर्स के अलग अलग डिज़ाइन हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर आप अपने फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आ सकते हो। यहाँ पर आप प्री वेडिंग शूट या फिर मैटरनिटी शूट ऐसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, और पिक्चर्स क्लिक करने के लिए तो ये बेस्ट जगह है। ये जो जगह है ये 39 एकर्स में फैली हुई है। यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क भी है, और आप ये जो सब कुछ फ्लावर्स देख रहे हो इसे खरीद कर आप घर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि इनकी खुद की नर्सरी है जहाँ पर ये ब्यूटीफुल वैरायटीज़ है जो फ्लावर्स की, उसके प्लांट्स आप घर के लेके जा सकते हो, या फिर उसके सीड्स होते हैं वो भी आप लेके जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स है। उसके साथ साथ यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स भी बनाए गए हैं, अलग अलग डिज़ाइंस बनाई गई है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैं 25 जनवरी को ही आई हूँ, और बहुत अमेजिंग है। आप यहाँ पर ज़रूर आना, ज़रूर विजिट करना, क्योंकि ये सच में फ्लावर बहुत अमेजिंग है। अगर आपको यहाँ पर आने के बाद कौन सा ट्री जो है, कौन सा प्लांट है उसके नाम नहीं पता होगा, तो यहाँ पर ट्रीज़ के ऊपर QR कोड्स भी लगाए गए हैं, जिससे आपको
जो इनके ट्रीज की प्लांट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। मतलब आप सोच सकते हो कितने अच्छी तरीके से इस गार्डन को मेंटेन किया गया है इंफॉर्मेशन के लिए, कितनी हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है और बेस्ट है यहाँ पर घूमने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूर आना। यहाँ पर जो इन लोगों ने जो फोटो बूथ बनाए हुए हैं रियल फ्लावर्स के, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइस, इसका जो एंट्री टिकट है वो 50 रुपीज़ है और टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे। फ्लावर शो देखने के बाद हम लोग गए एग्जीबिशन एरिया की तरफ, जहाँ पर पेंटिंग्स और बोनसाई ट्री भी रखी गई थी। बोनसाई ट्री की इतनी सारी वैरायटीज थी, इतने अच्छे तरह से डेकोर किया गया था कि हम लोग बस देखते ही रह गए। यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने इतनी सरप्राइजिंगली चीज़ें देखी थी कि आपको भी वहाँ पर जाके देखनी ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग सोचते कि यार सिर्फ फ्लावर शो है और क्या होगा, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़ता ही जाता है। सो गाइस, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है आइकिया बाना। ये एक जैपनीज टेक्नोलॉजी है जो फ्लावर्स को अच्छे से अरेंज करती है। और ये जो है ये डिस्प्लेस बहुत महंगे बिकते हैं, ये बुके नहीं है, ये कुछ अलग है और बहुत ही बढ़िया है। इसका भी यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है, अलग अलग तरीके के हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बारे में मुझे पहली बार यहाँ पर आकर ही पता चला है। यहाँ पर जो फ्लावर के बुकेस बनाए जाते हैं या फिर जो रोजेस के साइजेस या वैरायटीज है, उसका कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें सूखे हुए फूलों से लेकर फ्रूट से लेकर हर तरह के बुके बनाए गए थे। फ्लावर्स के हैंडबैग्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। जो गार्डन में जो पॉट रखे जाते हैं उनकी जो सजावट होती है, और जो मिनी ट्रीज होते हैं जो अपने गार्डन में लगाए जाते हैं, उस तरह के बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर रखाए गए थे, वो भी आप ज़रूर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो नर्सरी का एग्जीबिशन था, जिसमें आपको जो नर्सरी के लिए गार्डनिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर रखी गई है। इतने वैरायटीज ट्रीज की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, आप बोलो हर एक तरह के जो इंडोर आउटडोर प्लांट्स होते हैं और जो पॉट्स होते हैं हर एक साइज़ के, हर एक डिज़ाइंस के, उसके लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो सभी कुछ यहाँ पर रखे गए हैं। आपको टूल्स चाहिए होंगे, सीड्स चाहिए होंगे, पॉट्स चाहिए होंगे, जो अलग वैरायटीज के होंगे वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। हर एक रेंज के तक आपको, मतलब 20 रुपीज से लेकर आप 3,000, 4,000, 5,000 रुपीज तक के प्लांट्स यहाँ पर खरीद सकते हो। बहुत ही मज़ा आता है शो देखने के लिए भी और शॉपिंग करने के लिए भी। और शॉपिंग के बाद ऑब्वियसली आपको भूख तो लगने ही वाली है। यहाँ पर हुरडा पार्टी भी होती है, जहाँ पर आपको जो हुरडा होता है, जो भजी स्नैक्स वो सब कुछ चीज़ें हैं वो दी जाती है। आप खरीद कर आप यहाँ पर जो बांस रखे हुए हैं पेड़ के नीचे, वहाँ पर आप रिलैक्स करके आपका जो स्नैक है उसे इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद दूसरे जगह पर जो है वो जो शो पीस होते हैं वो सब कुछ रखे गए थे, जो वुडन के होते हैं बनाए हुए नेचुरल विदाउट प्लास्टिक, तो वो भी आप खरीद सकते हो। एक अलग सा चार्ट कॉर्नर बनाया गया है, जहाँ पर आपको जो भी स्नैक चाहिए होगा, पानी पूरी, मोमोज या फिर चाइनीज़, ऐसे बहुत सारी वैरायटी स्नैक्स की यहाँ पर रखी गई है। एग्जीबिशन के सेंटर में एक बहुत ही गार्डन एरिया खूबसूरत सा बनाया गया है, वो भी ज़रूर देखना। उसके बाद हम लोग गए चिल्ड्रंस प्ले एरिया की तरफ, जहाँ पर और एंट्री फी जो है वो बिल्कुल भी फ्री है, सिर्फ आपको पेड करना है। जो इलेक्ट्रिक गेम्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ गेम्स है खेलने के लिए, जहाँ पर बच्चे बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग गए एग्जिट की तरफ, जहाँ पर भी बहुत खूबसूरत से प्लांट्स की अरेंजमेंट की गई थी। जूस वाला था, वाटर भी था। यहाँ पर जो फोटो बूथ रखे गए हैं, जिसमें आपको रिक्शा देख रही होगी, जिसको बहुत ही अच्छे से कलरफुल पेंट किया गया है। यहाँ पर हॉर्स राइड, हॉर्स कार्ट राइड भी होती है, ट्रेन राइड भी होती है, बड़ा सा फाउंटेन भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए।
सो गाइज, ये था फ्लावर एग्जीबिशन और सच में बहुत ही मज़ा आ गया और बहुत बेस्ट है पुणे के पास में। आपको अगर ऐसी चीज़ देखने के लिए मिल रहे होगे तो आप क्यों ना आए। तो यहाँ पर फूड है, गेम्स है, यहाँ पर की डिस्प्ले एरिया है, बड़ों के लिए एग्जीबिशन है, शॉपिंग सेंटर है, मतलब आप जो प्लांट्स है उसे खरीद सकते हो, और ब्यूटीफुल फ्लावर्स है जिसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बस देखते रहने का मन हो जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।